हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके समाकलन के प्रूफ, जैसे टेन एक्स, फोर्ट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है, बहुत ही कम क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, लेकिन इनको याद भी रखना है। अब हम इनके प्रूफ करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्या है, टेन एक्स। तो सोल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आई को ले लेता हूँ टेन एक्स डी एक्स। तो टेन को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बटे में कोस एक्स डी एक्स। मैं मानता हूं, माना कोस एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन में टी। तो माइनस लोग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा लोग कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस माइनस को जब ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा लोग वन अपॉन कोस एक्स प्लस सी, मीन्स लोग सेक एक्स प्लस सी। कोस एक्स की पावर माइनस वन होगा, उसको वन अपॉन कोस एक्स लिख दिया। सेम टू सेम हम सेकंड का करेंगे, तो मैं आई ले रहा हूं कोट एक्स डी एक्स। कोट को लिख देते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। मैं मानता हूं, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यह आएगा डी टी अपॉन में टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लोग मोर टी प्लस सी। तो टी की जगह वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा लोग साइन एक्स प्लस सी। तो देखो क्या है, जो टेन के है ना, ये दोनों ही आंसर होते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेक एक्स प्लस सी जनरल यही अप्लाई करते हैं। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो क्या है, फर्स्टली आई विल टेक आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे ना sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी sec x प्लस टेन एक्स से कर दिया और dx। नीचे वाले को t मानते हैं, माना sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। तो sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x। dx इक्वल टू डी टी, और sec x में कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस sec x dx इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाले कंप्लीट की जगह मैं लिख देता हूं डी टी, और अपॉन में आ जाएगा t। तो आ जाएगा log मोर t प्लस सी, और log t की जगह वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, फोर्थ भी इसी टाइप से करेंगे सॉल्यूशन में। तो मैं इसको लिखता हूं आई इक्वल टू कोसेक एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे मैं क्या करता हूं, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, अपॉन में भी आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं, माना कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं लिखता हूं माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा, और कोसेक एक्स भी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आई का मान जो आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन में टी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस लोग टी प्लस सी, यह आ जाएगा लोग माइनस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन इसको जनरल हमने फॉर्मूला किया हुआ है तो मैं इसके बाद यहां कर देता हूं ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं लोग, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। ऊपर और नीचे ना मैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर तो आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और नीचे आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स
वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद ये तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इस टाइप से हमने इन फॉर्मूलों के प्रूफ करने, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रखने। जो टेन एक्स होता है वो होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके, अब आप इनको नोट कर लो, या पोज करके नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी आपको अच्छा लगता है उस टाइप से करना। इन फॉर्मूलों को याद रखने, बहुत ही कम क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। ओके, थैंक यू।